अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मनान और मैं आज आप जिस मोबाइल का वीडियो रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी C5000, जिसकी रैम है 4 GB एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, फिंगरप्रिंट सपोर्टेड है, 8 MP फ्रंट कैमरा है एंड 16 MP बैक कैमरा विद डुअल LED फ्लैश। 32 GB स्टोरेज में इसके अंदर 64 GB भी आता है। ये आप इसकी लुक्स देख सकते हैं, बाहर से काफ़ी ग्रेसफुल फ़ोन है। डुअल सिम में फिर, और ये है चार्जर प्लग करने की जगह, ये है स्पीकर, ये है 3.5 mm जैक और ये है एंट्री प्लग करने की जगह, ये है वॉल्यूम अप डाउन के बटन, ये आप देख सकते हैं, और ये है पावर ऑन ऑफ बटन, ये है सिम जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्टेड है। यूज़ करने में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, आप देख सकते हैं, स्मूथ टच है इसका। इस रेंज में सैमसंग का काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बारे में अगर मैं इस वीडियो में कुछ बताना आपको रह जाऊँ तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर किसी को उसका रिप्लाई करूँ। और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे वीडियो को शेयर करते रहना ताकि और भी लोग इसके मोबाइल के बारे में जान सकें। CPU जी में दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617, इसके अंदर प्रोसेसर 1.52 GHz, ऑक्टा कोर इसके अंदर, यानी कि 8 प्रोसेसर्स हैं, 8 कोर्स हैं, टोटल रैम 4 GB है, टोटल रैम 3633 MB, स्क्रीन है 399 DPI, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x920 pixels, फुल HD ये स्क्रीन है इसकी, स्क्रीन साइज 5.2 इंच स्क्रीन है इसकी, और है मॉडल C5000, अवेलेबल स्टोरेज 9.14, टोटल 32 GB है इसकी, एंड्रॉयड वर्जन हेल्थ गुड, बैटरी टाइमिंग भी सही है इसकी। अगर आप लगातार 4G या वाईफाई चलाएंगे, लगातार 4G या वाईफाई चलाएंगे तो इसके अंदर ये इनके स्क्रीन ऑन टाइम आपको 3 hours ये देगा, ठीक है। ऑनलाइन आप गेमिंग करेंगे इसके अंदर साथ, तो मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप इसके अंदर करें तो ये कम से कम आपको इनके ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देगा, 3 सवा 3 घंटे से, उससे ज़्यादा ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम नहीं देगा। बाकी जो लोग गेम्स वगैरह नहीं खेलते उनको पता होगा कि इनके मोबाइल गेम्स के साथ ये है इसका एटीट्यू बेंचमार्क स्कोर 45,000, लास्ट टाइम 50,000 आया था। इसके एटीट्यू बेंचमार्क स्कोर इसी वजह से कम है कि इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो थोड़ा कम है, अगर इसका यही स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 815 होता तो इसका स्कोर 1 लाख से ऊपर होना था, लेकिन इसका स्नैप प्रोसेसर की वजह से स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन सेट यूज़ करने में बहुत अच्छा है इस रेंज में। ये 30 से 31,000 की रेंज में फ़ोन है, और यानी कि इस रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। अब मैं आपको इसके अंदर गेम प्ले करके दिखाता हूँ, जिसकी वजह से आपको टच का पता लग सके इसका। यह है क्लैश ऑफ क्लैंस ऑनलाइन गेम, इसके अंदर आपको इस मोबाइल के टच के बारे में पता लग सकेगा, मल्टी टच के बारे में देख लें। आप देख सकते हैं टच आपके सामने, वीडियो में शायद आपको मोबाइल के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि इफेक्ट्स होते हैं वीडियो के डिफरेंट, लेकिन इसके मोबाइल के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, सुपर एमोलेड स्क्रीन है। ये मैं टू बेंचमार्क पे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको इसको सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 के साथ कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या फ़र्क है, क्योंकि रैम उसकी भी 4 GB और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। स्कोर का फ़र्क है काफ़ी सारा, 83,944 उसका है एंड इसका 45,595 है। रैम स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, CPU मैथमेटिक्स में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, और CPU कॉमन यूज़ में भी कम डिफरेंस है, और CPU मल्टी कोर में भी कम डिफरेंस है, और आप देख सकते हैं बाकी
इसका UX इमेज प्रोसेस नोट 5 से ज़्यादा है। 3D मरून एंड 3D गार्डन में काफ़ी डिफरेंस है, उसका 12,000 है, इसका 13,000 है, और वही प्रोसेसर के वजह से इसका स्कोर जो है कम आया है। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ बताना तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं इसमें फ़ोन के बारे में सारा कुछ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर किसी को रिप्लाई करूँ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।